आज हम 10वीं कक्षा के गणित का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर्स। इस चैप्टर में आइए सबसे पहले हम कुछ एक परिभाषाएं रिवाइज कर लेते हैं जो हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले आता है प्राकृत संख्याएं, जिनको नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं, एन से डिनोट की जाती है। प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं? जो गिनती वाली संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5 आदि, ये प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृत संख्याओं के बाद दूसरे नंबर पर है पूर्ण संख्याएं, यानी होल नंबर। पूर्ण संख्याएं यदि हम प्राकृत संख्याओं के समूह में 0 और मिला दें तो ये समूह जो है पूर्ण संख्याओं का समूह कहलाता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है पूर्णांक, इंटीजर्स, जेड के द्वारा डिनोट किया जाता है। यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक अंक और मिला दिए जाएं, तो ये जो समूह है ये पूर्णांकों का समूह कहलाता है। अब पूर्णांकों में देखिए, जो पूर्णांक 0 से बड़े होते हैं उन पूर्णांकों को हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स। और जो पूर्णांक 0 से छोटे होते हैं उनको हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, यानी नेगेटिव इंटीजर्स। 0 न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक। अब पूर्णांकों के बाद आता है परिमेय संख्याएं, यानी रेशनल नंबर्स। जो संख्याएं पी बाई क्यू के रूप में लिखी जा सके और जहाँ क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 हो, वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए, जैसे 3/4 हैं, 7/5 हैं, ये संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं क्योंकि इसको देखिए हमने पी बाई क्यू, यहाँ पी 3 है और क्यू 4 है। 7/5 भी एक परिमेय संख्या है, 7 पी हो गया, 5 क्यू। देखिए यहाँ पर हर 0 भी नहीं है तो ये परिमेय संख्याएं हैं। इसी प्रकार अगर हम कोई भी पूर्णांक उठा लें, जैसे 4 है, 4 को आप 4/1 कह सकते हैं, तो ये भी हमने p/q के रूप में लिख दिया और यहाँ पर q इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब 4 भी एक परिमेय संख्या है। -3 को भी आप लिख सकते हो -3/1, यानी p/q के रूप में ये भी लिखी गई है, -3 भी एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जितने भी पूर्णांक हैं वो परिमेय संख्याएं हैं, जितनी पूर्ण संख्याएं हैं वो पूर्णांक हैं, जितने प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याओं का ही एक भाग है। तो आगे आता है अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, इरेशनल नंबर। वो संख्याएं जो p/q के रूप में ना लिखी जा सके, ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2, √3, π, एक्स्ट्रा, ये सारी अपरिमेय संख्याएं हैं। अब देखिए, अगर हम 22/7 की बात करें तो ये एक परिमेय संख्या है, जबकि पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का मान एग्जैक्टली 22/7 के बराबर नहीं होता, जबकि इसका लगभग मान है। पाई को एग्जैक्टली p/q के रूप में लिख नहीं सकते, इसलिए पाई एक अपरिमेय। अब आता है कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है, जो वास्तव में हमारे चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स।
अब जो हमने प्रमेय संख्याएं पढ़ी है और अप्रमेय संख्याएं पढ़ी है, प्रमेय तथा अप्रमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्याओं का समूह कहलाता है। प्रमेय और अप्रमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्याएं कहलाता है। अब आगे आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का को समझने से पहले हम ये जानते हैं कि प्रमेय का शब्द का अर्थ क्या होता है। प्रमेय का इंग्लिश में इसको लेमा बोलते हैं। प्रमेय का एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जो अन्य कथनों को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का को समझने के लिए हम बिल्कुल सिंपल सा एक उदाहरण लेते हैं पहले कि मान लीजिए हमारे पास कोई दो धनात्मक पूर्णांक हैं जैसे 21 और 5। यहाँ हम देख रहे हैं कि 21 जो है 5 से बड़ा है। यदि हम 21 को 5 से भाग दें तो 5 चौके 20, शेष 1 बच जाता है। तो हम 21 को क्या लिख सकते हैं, 21 को लिख सकते हैं 5 × 4 प्लस में शेष। अब हमें पता है कि शेष कभी भी 0 से छोटा नहीं होता, यानी 0 हमेशा ही शेष रहेगी और शेष हमेशा ही विभाजक से छोटा होता है। तो ठीक इसी तरह से हम इस रिजल्ट को थोड़ा जनरलाइज कर रहे हैं कि मान लीजिए हमारे पास ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है। 21 और 5 की जगह पर मैंने ए और बी कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक ले लिए। मैंने मान लिया कि ए जो है बी से बड़ा है। यदि मैं ए को बी से भाग दूं तो हमारे पास दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर प्राप्त होगी, जिसको हम लिख सकते हैं कि ए बराबर, जैसे 21 को लिखा हमने 5 × 4 + 1, तो ठीक उसी तरह से ए को बी गुणा क्यू प्लस आर, जहाँ पर शेष हमेशा ही 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा लेकिन भाजक बी से छोटा होगा। अब देखिए हमें यहाँ से एक ये कथन प्राप्त हुआ है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 इज लेस देन और इक्वल टू आर विच इज लेस देन बी। तो ये जो कथन है ये और कुछ नहीं है, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ही है। तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर सच दैट 0 इज लेस देन और इक्वल टू आर विच इज लेस देन बी। अब हम आगे पढ़ते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, अब देखिए सबसे पहले हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से पहले हम एल्गोरिथम शब्द का अर्थ समझते हैं कि एल्गोरिथम जो है किसी भी समस्या को हल करने के लिए अपनाई गई विधि के स्टेप्स जो है, विभिन्न जो चरण हैं उनकी श्रृंखला को हम एल्गोरिथम कहते हैं। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वास्तव में दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ निकालने के लिए, एचसीएफ जिसको आपने हिंदी में महत्तम समापवर्तक के नाम से पढ़ा है, दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ निकालने के लिए हम एक विधि का प्रयोग करते हैं। उस विधि के जो चरण हैं वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और इस एल्गोरिथम में हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे, यानी इस तरह से भाग विधि द्वारा हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। यदि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को एक सामान्य रूप से समझें तो मान लीजिए कि हमारे पास सी
और डी कोई दो धनात्मक पूर्णांक हैं। मान लेते हैं कि सी डी से बड़ा है। जब हम सी को डी से भाग करते हैं तो हमें दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर प्राप्त होगी। तो यहाँ पर हम सी को लिख सकते हैं सी बराबर डी क्यू प्लस आर। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फर्स्ट स्टेप है कि हम यहाँ पर सी को सी और डी पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे। अब इसका रिमाइंडर चेक करेंगे। यदि रिमाइंडर जीरो आता है तो डी जो है यानी भाजक जो है इस स्टेज पर वो सी और डी का एचसीएफ होगा। लेकिन अगर आर इज इक्वल टू जीरो नहीं है तो हम फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आर और डी के लिए अप्लाई करते हैं। फिर उसी तरह से हम दूसरा भागफल और शेषफल ज्ञात करेंगे। फिर इस स्टेज पर रिमाइंडर चेक करेंगे, शेषफल चेक करेंगे। अगर यहाँ पर शेषफल जीरो आ जाता है तो इस समय जो इस स्टेज पर जो भाजक है वह सी और डी का एचसीएफ होगा। लेकिन अगर यहाँ पर भी शेषफल जीरो नहीं आता तो फिर इसी प्रोसेस को हम आगे तक इसी तरह से रिपीट करते रहेंगे और ये प्रोसेस उस समय जाकर के रुकेगा जब शेषफल जीरो आएगा और उस स्टेज पर उस स्थिति में जो भाजक होगा वही सी और डी का एचसीएफ होगा। यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। वैसे तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग भाजक जीरो को छोड़ करके हम सभी पूर्णांकों के लिए लगा सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ धनात्मक पूर्णांकों की बात करेंगे क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांकों के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग हमारे सिलेबस से भी बाहर है, 10वीं कक्षा के स्कोप से भी बाहर है। इसलिए हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग यहाँ पर सिर्फ धनात्मक पूर्णांकों के लिए ही करेंगे। आगे उदाहरण एक, 4052 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें दो संख्याएँ दे रखी हैं, 4052 और 12576। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 12576 बड़ा है 4052 से, इसलिए हम 12576 को 4052 से विभाजित करते हैं, भाग देते हैं। तो भाग देने पर 3 दुनी माइनस करेंगे तो 0, 2, 4। अब देखिए इस स्टेज पर हमने चेक किया कि यहाँ पर रिमाइंडर भी 0 नहीं आया है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यहाँ पर हम फेयर करते जाते हैं काम। एल्गोरिथम के पहले स्टेप में हम यहाँ रिमाइंडर ऑब्टेन करते हैं, तो 12576 बराबर 4052 गुणा 3 + 420। यहाँ पर r बराबर 0 नहीं है, 0 नहीं है तो अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का 4052 और 420 के लिए लगेगी। 4 × 40 यानी 9 पे जाएगा ही, 900। फिर माइनस करेंगे तो 2। अब देखिए इस स्टेज में भी रिमाइंडर 0 नहीं है, तो हम लिखेंगे 4052 बराबर 420 गुणा में 9 + 272। रिमाइंडर इज अगेन नॉट इक्वल टू 0। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फिर से रिपीट होगी 420 और 272 के लिए।
420 बराबर 272 गुणा 1 प्लस 148। रिमाइंडर फिर जीरो के बराबर नहीं है तो एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए इसको। फिर रिमाइंडर जीरो नहीं आया है। इस प्रोसेस को तब तक कंटिन्यू रखना है जब तक शेष फल जीरो ना आ जाए। अब फिर रिपीट करेंगे 4 और 24 के लिए। स्टेज पे देखिए 4 जगह 24, शेषफल 0 आ जाता है। शेषफल 0 आते ही ये प्रक्रिया रुक जाएगी यहीं पर। और इस स्टेज पर जो भाजक है यानी 4, वो 4052 और 12576 का एचसीएफ होगा। तो 24 बराबर हम लिखेंगे 4 गुणा 6 प्लस 0 और यहाँ पर रिमाइंडर क्या होगा, 0 हो गया। तो हम लिखेंगे यहाँ से शेषफल 0 है, इसलिए यह प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। चूंकि इस स्थिति में भाजक 4 है, इसलिए 4052 12576 का एचसीएफ होगा।